गुड मॉर्निंग क्लास 9। होप आपने चैप्टर हिस्ट्री में चैप्टर 1 जो हमने डिस्कस किया था फ्रेंच रिवोल्यूशन, वो आपने कंप्लीट वीडियो देख ली होगी। पूरी वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है चैनल रघुनाथ में। वापस से आप एक बार नहीं देखा तो उसको देखोगे, पूरी वीडियो अपलोड हो गई है, उससे आप पूरे चैप्टर्स को क्लियरली समझ लें। और उसके बाद फिर उसको क्वेश्चन आंसर्स भी जो है मैं सेंड कर दूँगी, व्हाट्सअप के थ्रू मैं सेंड करूँगी उसको, और आप उसे नोटबुक में लिख लेंगे। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर जीओ के चैप्टर 1। तो ज्योग्राफी में चैप्टर 1 जो है हमारा, सॉरी चैप्टर 1 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, सो दोज वी हैव नॉट डन एंड वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। सो दिस इज चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड द सेम दिस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 8। It's the same chapter, but over here you will be having some little more informations about the same thing in details. So we will start the chapter. It will be easy for you because you have already done in class 8 this chapter. Geography chapter 2. So in this chapter we will discuss about the physical divisions, physiographical division, that is into how many parts India has been divided physically. First, Himalaya, we will discuss about the Northern Plain, third Peninsula Plateau, fourth Indian Desert, then Coastal Plain, and then the islands. So we will discuss one by one in this chapter. Now, glossary, that was the importance key. When you will read out, you will be moved through these words and the meaning you should know about. So before that you should read out the glossary. The first one is Bangar. What is Bangar? When we'll go through the chapter, then it will be easily clear. In Northern Plain there is a one region which has been called as Bangar. Then dunes, narrow valley found between Shivalik and Middle Himalayas ke dono ke beech mein jo valley hai, so dunes ke naam se kaha gaya. Distributaries, jahan pe humne distributaries of rivers, तो यहाँ पे जब रिवर्स हमने ट्रिब्यूटरीज के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटरीज भी क्लास 8 में डिस्कस किया था, तो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई व्हेन द रिवर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, यहाँ पे जो है मेन रिवर से इट वाज बाइफोगेट, जब ये दो हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से कहा जाता है। रिवर दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम अ मेजर रिवर, इट फॉर्म्स नियर द रिवर माउथ। यहाँ पे जो बताया गया द सेम थिंग इज ओवर। डेजर्ट, देन डोब्स, डेजर्ट यू नो वेरी वेल वेजिटेशन बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल। द एरिया बिटवीन टू रिवर्स, डोब्स कैसे बोलते हैं, द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, जो दो रिवर्स के बीच में लैंड होता है उसको डोब्स के नाम से कहा जाता है, जैसे गंगा है, यमुना हो गया। रिवर लाइन आइलैंड, आइलैंड इज अ रिवर लाइन जो मेनली रिवर्स के थ्रू ही बना हो। ना बार्चेंस आर क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स हैं, ये जिसकी जो है ये बनती है डायरेक्शंस, ये सैंड ड्यून्स है। आपको जैसे डेजर्ट में सैंड ड्यून्स होती है जिसको धोरा के नाम से लोकली बोला जाता है, तो ड्यून्स जो है मेनली इसकी जो है शेप चेंज होती रही, समटाइम्स लाइक दिस, समटाइम्स इट्स लाइक दिस, सो दिस इज कॉल एस। ना फोल्ड माउंटेंस, हिमालयज अ फोल्ड माउंटेंस, वी हैव डन ऑल्सो इन द क्लास 8, दिस इज अ फोल्ड when it is folding like this, this one is the fold mountains. So glossary is you go through the glossary, it will be that we have already done class, and the glaciers, gorges, Gondwana land, island, Khadar. So we will start the chapter with the one physical features. So India is divided into how many physical features? India has been divided into 6 physical or physiographical features. इसे फिजियोग्राफिकल और फिर रिलीफ फीचर्स के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है। द क्वेश्चन में पुट इन रिलीफ ऑल्सो, दे कैन आस्क यू से व्हाट इज़ द रिलीफ फीचर, हाउ मेनी रिलीफ फीचर्स डू वी हैव इन इंडिया लाइक दिस ऑल्सो। सो इट हैज़ बीन कॉल्ड एज फिजियोग्राफिकल, फिजिकल और फिर रिलीफ फीचर्स, क्लियर। रिलीफ करके भी इसे कहा जाता है। सो फर्स्ट इज हिमालया, नॉर्थन हिमालया, देन नॉर्थन प्लेन, द पेनिनसुला, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। सो दिस 6 फीचर्स वी आर हैविंग इन आवर कंट्री, सो इट्स वेरी गुड दैट वी आर हैविंग ऑल द फीचर्स
Mostly the country is having one or two, and we are having all the six features in our country. So let's start with the Himalayan mountains. Now, from the point of view of the geology, the Himalayas are young and full mountains. That extend over the northern boundaries of India. They have been the highest mountain peak of the world. These mountain ranges spread from west to east directions and from river Indus to river Brahmaputra. So the Himalaya exhibits the loftiest and one of the most rugged mountains barrier of the world. They form an arc which run about 2400 long. The wide is 400 km in Kashmir and 150 in Arunachal Pradesh. So let's see if the map is there. This is a map. So over here, see the mountains, Himalaya. Okay, so these are the ranges. What we have done, discuss about the ranges. So ranges means when mountain is continuity, that when the mountain is continue, there is no gap between the mountains. So that is the first one has been called as the Himalayan, has been divided into three ranges. So the first one is called as Himadri. So it was the stretches from this one north, but if we see north west to east, so it is stretches from north west to east. So from here to the east, the mountain has been stretches, and in the northwestern side it is much broader. ये बहुत ज़्यादा broader है compared to the eastern में. ये थोड़ा narrow में आ गया, ठीक है ना. तो इसकी जो stretches है, कितनी लंबाई है, अभी हमने discuss किया उसकी. तो ये जो है first ranges जो है, इसे हिमाद्री के नाम से कहा जाता है. दिस इज द ओरिजिनल नेम विच इज़ बीन कॉल्ड बाय, एंड वाई इट इज़ बीन कॉल्ड हिमाद्री, बिकॉज द फर्स्ट रेंज इज टोटली कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. आप समर में भी जाओ, अगर आपको ये पूरा कवर दिखेगा स्नो से, टोटली डिग्री जो है, अगर आप में वहाँ पे जाएंगे, टेम्परेचर जो है, देर विल बी -40 अराउंड. तो इस तरह से सोचो, दैट इज़ दे आर हैविंग स्नो कवर्ड विद द स्नो, इसलिए हिमाद्री नाम दिया गया. फिर आता, उसके बाद आता दूसरा रेंज, इसी के बाद दूसरा रेंज आता है जो उसमें कंटिन्यूटी ब्रेक आती है इस तरह से. ये हो गया हिमाचल. तो दूसरा वाला जो है वो क्या है, हिमाचल, इसे हिमाचल के नाम से कहा जाता है, ठीक है. इसमें बीच में कंटिन्यूटी जो है, ये भी रेंजेस है, क्योंकि माउंटेन्स जो है ग्रुप में ही है, बट बीच में जो है देयर इज सम गैप बिटवीन इट. ओके, एंड द लास्ट वन, उसके बाद एक और लास्ट में है जिसे शिवालिक के नाम से कहा जाता है. तो वो क्या है, शिवालिक, ठीक है. तो ये हमारा लास्ट रेंजेस है हिमालय का, शिवालिक. तो हिमालयन रेंजेस को डिवाइड किया कितने पार्ट्स में, थ्री में. तो पहला देख लेते हैं, अभी हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, दिखेगा आराम से. पहला रेंज, फिर दूसरा रेंज आ रहा है इस तरह से जाएगा दूसरा वाला रेंज, देन द थर्ड वन इज. तो ये हो गया हमारा थ्री रेंजेस. तो पहले वाले में देखो कंटिन्यूटी गई है पूरा, और पहले रेंज में जो सबसे ज़्यादा ऊँचा पीक है, ठीक है ना, हाईएस्ट पीक, ये कंचनजंगा ओवर या इस तरह से बंगाल के, सिक्किम एंड बंगाल के साइड्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट पीक्स होता है, जो सबसे ज़्यादा हाइट होती है उसको, उस रेंज में जो सबसे ज़्यादा उसकी हाइट होती है माउंटेन की, उसको पीक के नाम से कहा जाता है. इसीलिए कहा था वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन्स जो है हमारे इंडिया में है, हिमालय में. तो यहाँ से देख लो वापस से, ठीक है. तो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वर्ल्ड के, हमारे हिमाचल में पाए जाते हैं. उसकी हमने बता दी किसकी जो है कहाँ से, एज ए आर्क शेप में हमने अभी देखा क्यों कहा जा रहा है. तो आप ऐसे देखो, एज एन आर्क, मैथ्स में आप करते हो तो एज ए आर्क जैसा बन रहा है, तो इसीलिए इसको आर्क जैसा, इसका नाम रखा है आर्क, जिस तरह से बोला जा रहा है. फिर तो ये अरुणाचल में अगर हम जाते हैं, ईस्ट में जाते हैं, तो उसकी जो है वाइट जो है, उसकी रेंजेस जो है वाइट, वो कम हो गई, लेकिन वहीं पर जब कश्मीर में कितनी उसकी 400 है. तो उसी तरह से अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर
कि ये रहा तो हिमालय के रेंजर्स जो है आप आ रही है, दे आर रेंजर्स। सबसे पहले हिमाद्री या फेस को हिमाद्री तो मेन नेम्स हो गया, या फेस को इना हिमालयस के नाम से भी कहा जाता है, या फिर ग्रेटर हिमालय के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हिमाद्री कहा गया है। लॉफ्टेस पीक से बहुत ज़्यादा, कितनी हाइट है उसकी, 6,000 meters। और दिस रेंजेस कंटेन ऑल प्रोमिनेंट हिमालयस पीक्स, जितनी बड़ी बड़ी ऊंची जो पीक है वो कहाँ पाई जाती है, वो इसी रेंज में पाई जाती है, मतलब हिमाद्री में ही पाई जाती है। फिर दूसरा है तो ये देखो हाईएस्ट पीक बता दिया, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट आ गया, तो नेपाल कंचनजंगा जैसे मैंने कहा बंगाल में सिक्किम के आसपास एरिया, मकुला नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत है इंडिया में, अन्नापूर्णा है नेपाल में, नंदा देवी इंडिया में, कामेत इंडिया में, एंड नमचा बरवा इज़ ऑल्सो इन इंडिया। तो ये हमारे फर्स्ट हिमाद्री रेंजेस में ही हैं सारे हाईएस्ट पीक जो है। ठीक है, द फोल्ड, अब इसको फोल्ड माउंटेंस के नाम से क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो है इस तरह से है माउंटेंस, जैसे आपको स्ट्रिंग्स लेते हो, जो स्ट्रिंग्स लेते हो तो दोनों साइड्स में जब स्ट्रिंग्स को पकड़ते हो तो फिर खींचते हो तो इस तरह से वो एक बार वापस एक जैसा स्प्रिंग हो जाता है, इस तरह से एक बार हो जाता है, फिर वापस स्ट्रेच करते हो तो बड़ा हो जाता है। इसी तरह से ये फोल्ड माउंटेन जो है बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। और ये एक्चुअली क्या, ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, ये क्रस्ट जो है इस तरह से स्प्रिंग हो गया, जिसके कारण ये कहा जाता है कि हमारे जो है ये सबसे यंग है, क्योंकि ये रिसेंटली मतलब कि सबसे अभी जो लास्ट इरप्शन और जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस के कारण जो फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड हुआ है सबसे लास्ट, ये हमारा हिमालयंस है। तो इसी तरह से इसको यंग फोल्ड माउंटेन के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ अब उसके बाद आता है नेक्स्ट है हिमाचल, या फिर इसको लेसर हिमालय के नाम से कहा जाता है। तो द रॉकी माउंटेन्स जो है कहा गया इसके अंदर जो है, एक तो सबसे पहले वाला जो माउंटेन्स था हमारा, जिससे मैंने कहा कि एसमेट्रिकल नहीं नेचर से, मतलब एक जैसा ही है, और उसकी जो रॉक है वो कौन सी रॉक है, ग्रेनाइट से, और इसमें स्नो से भरा पड़ा, ये पूरा कवर्ड है स्नो से। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही किसकी, हिमाद्री की, कि सिमेट्रिकल है नेचर में, ग्रेनाइट से। अब आप हिमाचल में देंगे तो इसमें कहा गया रॉकी माउंटेन्स है लाइंग टू द साउथ, क्योंकि ये हिमाद्री के नीचे है, अगर हिमाद्री है तो हिमाद्री के नीचे ही हमारा कौन सा आता है, दूसरा रेंज आता है हिमाचल, तो इसीलिए ये नॉर्थ हो गया, तो ये साउथ हो गया, तो इसलिए कहा गया ये साउथ ऑफ द हिमाद्री। फिर इसको हिमाचल या फिर लेसर हिमालय के नाम से कहा गया है। दिस रेंज आर मेनली मेड अप ऑफ हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर रॉक्स, ये किससे बना हुआ है, रॉक्स जो अल्टर मतलब चेंजेस है, एक जैसा नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है जैसे पहला वाला था हिमाद्री, और ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड है। इसकी लैटिट्यूडनल वेरिएशंस कितनी है, 3,700 से 4,500 है। और इसी तरह से इसकी जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है इसका, देखो यहाँ पे एवरेज कितना है इसका वाइड, 50 किलोमीटर्स इसकी वाइड जो है। फिर पीर पंजल रेंजेस जो है इस रेंज में सबसे हाइस्ट जो हाइट में है पीक जो है वो पीर पंजल है। उसके बाद आता है पीर पंजल के बाद दौलाधर जो है, फिर महाभारत रेंज, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंजेस है किसके, हिमाचल के। द हिमाचल रेंजेस कंटेन वेल नोन वैली कश्मीर, अभी अब सबसे जो बड़ी बात आती है कि जितने सारे आप लोग हिल स्टेशन जानते हैं, हिल स्टेशन तो वो चीज़ें जो हिल स्टेशन है उसको वैली, तो वो सारे वैली है, तो वैली किसे बोलते हैं, द एरिया बिटवीन द टू माउंटेंस, तो दो माउंटेंस के बीच में जो स्पेस आता है, जो प्लेन आता है एरिया, वो कहलाता है वैली। तो हमने क्या देखा था कि हिमाद्री में जो है वो कंटिन्यूटी नहीं थी, बीच बीच में गैप था, मैंने बताया था बीच बीच में गैप है, रेंजेस तो है लेकिन बीच में गैप है, बट जो गैप है वो क्या है, वैली है। तो इसी तरह से जितनी सारी स्टेशन है टूरिस्ट स्पॉट से घूमने के लिए वो सभी कहाँ है, हिमाचल के अंदर है। तो इसी तरह से कश्मीर इज़ अ वैली, कांगड़ा इज़ अ वैली, कुल्लू इज़ अ वैली ऑफ हिमाचल। तो इसी तरह से दीज आर ऑल फेमस हिल स्टेशंस जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये जो है
स्नो से कवर्ड भी नहीं है, और ये वैली बहुत बड़ा है आराम से। कश्मीर आपको पता है कितने सुंदर है, कांगड़ा एंड कुल्लू मनाली इस तरह से लोग जाते हैं गर्मियों में, समर में, क्योंकि टेम्परेचर उसका बहुत कूल रहता है उस समय वहाँ पर कंपेयर टू द प्लेन। अब आता है हमारा लास्ट रेंज ऑफ हिमालय, क्या है? शिवालिक। तो शिवालिक का जो रेंज है लास्ट है, मतलब ये किसके है, ये हिमाचल। पहला आ गया हमारा हिमाद्री रेंजेस गया, फिर कौन सा गया हिमाद्री के बाद हिमाचल, जो बीच बीच में गैप में गया। तो ये था हिमाद्री के नीचे आया हिमाचल, अब हिमाचल के नीचे आएगा शिवालिक, शिवालिक में भी गैप है ठीक है। तो इसी तरह से हमारा तीसरा रेंज है हिमालय का, और वो है शिवालिक रेंज। इसे आउटर भी कहा जाता है क्योंकि लास्ट वाला है ये, इसीलिए आउटर है। और इसकी जो ब्रेथ कितने 10 to 50 kilometers है, 10 to 50 kilometers शुरू होती है। और इसकी वेरिएशन एलिवेशन हाइट जो है माउंटेंस की 200 to 1100 meters है। और ये मेनली किससे बना हुआ है, मेनली बना हुआ है थिक ग्रेविल्स या फिर एलुवियम से, क्योंकि जो हिमालय से माउंटेंस आती हैं रिवर्स, तो रिवर्स भी आ रही है, तो रिवर्स आ रही है तो पत्थर ब्रोक करके आ रही है, इवन सेडिमेंट्स भी ला रही है, तो डिपॉजिट होती है शिवालिक में। नीचे वाला सबसे लास्ट शिवालिक है, इसी तरह से डिपॉजिट होती आ रही है यहाँ पर इसी तरह से। तो इसलिए कहा गया इट इज़ हैविंग एलुवियम एंड ग्रेविल ऑल्सो, पत्थर भी है और मिट्टी भी है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली प्रेजेंट बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक, तो इन दोनों के बीच में जो वैली है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, उसको डूल्स के नाम से कहा गया। तो इस तरह से देहरादून, कुल्लू दून, पाटली डून्स, कुतली एंड पाटली डून्स, तो ये जो है किसके बीच में, शिवालिक और हिमाचल। ये रहा हमारा पहला हिमाद्री, फिर हिमाचल और ये शिवालिक। तो इनके बीच में जो है, ठीक है, ये जो इसे कहा जा रहा है ड्यून्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था, अब इसको वापस हम लोग डिवाइड करेंगे रीजनल वाइज। वो तो हमने माउंटेन बेस पे हमने डिवाइड कर लिया कि कितनी रेंजेस है, 1 रेंजेस है, 2 रेंजेस एंड 3 रेंजेस है। अब एरिया वाइज भी उसको डिवाइड करेंगे हिमालयंस को, ठीक है। तो पहला जो एरिया आता है पंजाब हिमालय, फिर दूसरा आता है कुमाऊं हिमालय, तीसरा आता है नेपाल एंड फोर्थ इज असम। तो इस तरह से ये हो गया हमारा। तो ये हम डिविजन करेंगे तो ये वेस्ट से होगा ईस्ट तक एरिया वाइज, ठीक है। तो इसी तरह से जो है, और साथ में जो रिवर्स फ्लो करती है, जो माउंटेन से रिवर्स आ रही थी वो रिवर्स जो है इनको डिवाइड करती है। तो इसी तरह से वन पार्ट, वन नंबर, नंबर टू इस एरिया को डिवाइड किया, 3 हो गया, इस एरिया को डिवाइड किया, 4 हो गया। तो इसी तरह से इसको डिवाइड किया गया। तो पहला है हमारा पंजाब। तो पंजाब, दिस पार्ट ऑफ हिमालयंस स्ट्रेचेस बिटवीन रिवर इंडस एंड सतलेज रिवर। तो इंडस और सतलेज के बीच में जो एरिया आता है उसे पंजाब हिमालय के नाम से कहा गया है। अब मैप में देख लो एक बार, तो ये रहा पंजाब। अब यहाँ से सतलेज रिवर जा रहा, इसी तरह से जो सतलेज है पंजाब के बीच में आ रहा, तो इस तरह से इसके बीच में जो एरिया आ गया इसे बोल दिया गया पंजाब हिमालय, ठीक है। तो रिवर्स है, ये रिवर्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, इस तरह से इनके बीच में जो एरिया आ गया तो इस एरिया को दे दिया गया नाम पंजाब रीजन्स के नाम से। तो इसी तरह से वो बाकियों को भी इस तरह से रिवर्स के अकॉर्डिंग बताया गया। तो पंजाब हिमालय का नाम दिया गया बिटवीन इंडस एंड सतलज के बीच में जो एरिया आ गया। इसे एक और नाम से कहा जाता है रीजनली, इसे कश्मीर या फिर हिमाचल या हिमालय, ठीक है, इस तरह से अलग अलग। मेनली इसको पंजाब हिमालय के नाम से, फिर कुमन हिमालय कहा जाता है क्योंकि सतलज, फिर जो सतलज लास्ट में था इंडस के बाद सतलज है, अब सतलज के बाद जो नेक्स्ट रिवर आएगा, तो नेक्स्ट रिवर काली थी, कौन सी थी, काली। तो सतलज से काली के बीच का जो एरिया आ रहा है उसे नाम दिया गया कुमन हिमालय, ठीक है। अब फिर आता है काली, तो काली से बाद में आता है तीस्ता, तो काली और तीस्ता के बीच में से जो रीजन आता है उसको नेपाल के नाम दिया गया। फिर अब तीस्ता एंड दिहांग के बीच में जो एरिया आता है वो उसको नाम दे दिया गया आसाम। तो इसी तरह से इसे डिवाइड किया गया, मान लो ये नॉर्थ वाला जो एरिया जा रहा है और ये रिवर्स है, तो पहला हो गया हमारा इंडस, ये वाला इंडस मान लो, इंडस से फिर सतलज, तो ये सतलज वाला हो गया, तो ये हो गया हमारा पंजाब वाला नंबर वन। फिर सतलज के बाद से बोला कौन सा, काली, तो दूसरा ये काली आ गई, तो सतलज एंड काली के बाद आ गई कुमन, ये कुमन वाला हो गया। फिर काली के बाद कौन सा आया, तीस्ता, ठीक है ना, तो तीस्ता आया,
तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, नेपाल वाला एरिया आ गया। फिर तीस्ता एंड दिहांग, लास्ट वाला दिहांग है, तो इसके बाद में इसको आसाम बोल दिया गया। तो इसी तरह से इस रीजन, तो रीजन नंबर 1, 2, 3, 4, तो इसी तरह से 4 रीजन जो हैं इसे नाम दिया गया। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रीजनल डिविजन्स ऑफ द हिमालयंस। ठीक है, तो देखो हमने जो पहला जो किया था माउंटेन बेस में वो हॉरिजॉन्टल था, इस तरह से था। अभी जो हमने किया वो किस तरह से किया, वो वर्टिकल किया है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल था पहला वाला, और नंबर 2 जो है वर्टिकल है। तो रीजनल जो है ये नंबर 2 हो गया, और हमने पहला जो किया तो नंबर 1 था वो हॉरिजॉन्टल था। तो इसी तरह से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो ये हिमालयस का एक पिक्चर दिया गया है, थोड़ा सा डार्क में दिख रहा है आपकी बुक्स में, एक बार आप देख लेना, मे बी शायद द लुक इज सेम, इट्स नॉट बीन लुकिंग। तो ये मोस्टली जो है हिमालयंस के माउंटेंस, लॉफ्टी माउंटेंस हैं। अब एक हिमालय में से एक लास्ट वाला रेंजेस रह जाता है, इसे पूर्वांचल और ईस्टर्न रेंजेस, क्योंकि ये जो नॉर्थ से शुरू होकर ईस्ट तक जाता है, तो फिर ईस्ट में इस तरह से, क्योंकि जो आते हुए लास्ट में हमारा जो माउंटेन इस तरह से नीचे भी जाता है, इस तरह से आसाम वाला एरिया आता है इधर से, है ना, नागालैंड, मणिपुर, इस तरह से एरिया जो आती है, तो ये भी आ गया। तो ये हमारा पूर्वांचल एरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी माउंटेंस है। तो इसी तरह से तो ये जो एरिया आ रहा है इस तरह से यहाँ से, और इस तरह से होते हुए इस तरह से, तो यहाँ जो ये वाले एंटर करते हैं ब्रह्मपुत्र, तो ये कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्र, ये इस तरह से नेपाल से होते हुए एंटर होती है और आती है इंडिया के अंदर, इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश, ये वाला इस एरिया को एंटर करती है, तो यहाँ से यू कट करके अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है वो। तो इसी तरह से कहा गया कि ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, क्योंकि ईस्टर्न में वो एंटर करते हैं, और दिहांग तो वहाँ पे जो गॉड जॉर्ज है, ये जो है कि पत्थर जो है, ठीक है, इस पत्थर को कट करती है और इस कट करके काव करके वो एंटर होती है, तो उसको गॉर्जेस के नाम से कहा जाता है। सो द हिमालयन कर्व शार्पली टू द साउथ स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, और पूरी ईस्टर्न बाउंड्री जो है हमारे नीचे ईस्टर्न एरिया में इस तरह से पूरा एरिया में वो पूरा स्प्रेड करती है, पानी वहाँ देती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पूर्वांचल। इसमें भी बहुत सारे माउंटेन्स हैं, तो इसमें देखो दिस हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो नॉर्थ से होते हुए ईस्टर्न में आइए, ऊपर नॉर्थ से होते हुए ईस्ट में आइए, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न में आ गई। इस तरह से नॉर्थ ईस्टर्न में कहा गया स्टेट्स मोस्टली कॉम्प्रोजेस, इसमें जो पत्थर हैं, जो स्टोन्स हैं, सैंड स्टोन्स हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, और इसके अंदर है जो पैरेलल्स, मेनली पैरेलल है सभी जो भी है, वैलीज भी है, जो मेनली डेंस फॉरेस्ट कवर है, क्योंकि इस एरिया में जो है टोटली बहुत ज़्यादा जंगल है और घने घने जंगल है। आसाम इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हिज राइनो, वर्ल्ड फेमस काजीरंगा। इस तरह से यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, और पूर्वांचल के अंदर जो पीक्स है, जो हिल्स हैं एक साथ है, क्योंकि जो इस तरह से एरिया आती है, इस तरह से आती है तो इस तरह से जाती है, तो इस एरिया के अंदर 3 माउंटेंस आ, 3 पीक्स कंटिन्यूटी 3 आती है इस तरह से। तो वो कौन कौन सा है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। ठीक है, तो इसी तरह से ये रेंजेस हैं, और इसको ऑल टुगेदर अगर बोला जाए तो इसे पूर्वांचल और ईस्टर्न रेंजेस के नाम से कहा जाता है। ठीक है, तो ये हिमालयंस का ये कंप्लीट हुआ। एक पिक्चर से ये मिजो हिल्स के, ये पिक्चर है मिजो हिल्स की। हम नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद, हम नेक्स्ट शुरू करेंगे नॉर्थन प्लेन से। तो आज जो हमने पढ़ाया इसको आप एक बार बुक से रीड आउट करोगे थोरॉली, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे द नॉर्थन प्लेन। टिल देन टेक केयर।